सहारा ग्रुप में निवेश करने वालों के लिए शानदार खबर निकल कर आई है। जो पैसा वो डूबा हुआ मान रहे थे वो जल्द ही उनके हाथों में वापस आ जाएगा। सरकार ने इसके लिए एक बड़ा कदम उठाया है और पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि छोटे निवेशकों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, इसलिए ये पोर्टल बनाकर पारदर्शी तरीके से अपना काम किया करेगा। दिल्ली के लोधी रोड में हुए इस कार्यक्रम से करोड़ों निवेशकों के चेहरे खिल उठे। जैसे ही गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ये रिमोट बटन दबाया तो बरसों से टूटी उम्मीद फिर जग उठी। दरअसल अमित शाह ने इस कार्यक्रम में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया। दावा है कि इस पोर्टल के जरिए करीब 4 करोड़ निवेशकों को फायदा होगा, उन्हें 5,000 करोड़ रुपए वापस मिल जाएंगे। इस पोर्टल में जमाकर्ता अपने दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं, फिर दस्तावेजों की जांच के 45 दिनों के अंदर पैसे सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, इसमें आप जरा भी चिंता मत। मित्रों, एक बहुत बड़ी शुरुआत है। देश में ढेर सारी क्रेडिट सोसाइटियों में घपले घोटाले हुए, पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े घोटालों में पारदर्शिता के साथ आज निवेशकों को पैसा देना शुरू हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका मुझे कम से कम बहुत संतोष है। वहीं इस पोर्टल के लॉन्च के बाद कई लोग सहकारिता मंत्री अमित शाह से मिले और अपनी खुशी का इजहार किया। आखिर हो भी क्यों ना, उनकी मेहनत की कमाई उन्हें दोबारा वापस जो मिल रही है। कब जमा किया था आपने? मैंने 2016 में जमा किया था 5.5 लाख रुपए, और आज आशा जगी है कि पैसा हमारा सुरक्षित हमको मिल जाएगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है हम सबों के लिए, पूरे भारतवर्ष के सम्मानित निवेशकर्ता के लिए, कि आज जो माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो पोर्टल लॉन्च करने की जो घोषणा पहले से एक उम्मीद जगाई थी, आज उन्होंने घोषणा किया, हम लोगों के समक्ष पोर्टल लॉन्च किया। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, पूर्णतः ईमानदारी के साथ कहता हूँ, जो उन्होंने कहा उन्होंने किया। आज अमित शाह जी का हम धन्यवाद देते हैं कि छोटे छोटे निवेशकों का पैसा देना शुरू हो गया। धीरे धीरे जो है उन्होंने कहा, और उस हिसाब से पूरी टीम भी काम कर रही है। माननीय न्यायालय के जो रिटायर्ड जज है वो भी इस टीम में काम कर रहे हैं, तो सभी लोग मिलके एक अच्छा व्यवस्थापन तैयार कराते हुए भुगतान की प्रक्रिया हो रही है, बहुत शानदार तरीके से होगी। बरसों पहले सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों में करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाई थी, लेकिन फिर एक समय उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्होंने अपनी ये गाढ़ी कमाई खो दी है। पर अब सरकार की इस पहल ने इन निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए एक बड़ी पहल की है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।